हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग का एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है 2024 बोर्ड को लेकर, उसी को लेकर अपडेट है। एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा और JCERT आपके लिए क्या कुछ खास कर रही है, तो उसके बारे में भी अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। कब से एग्जाम होंगे वो भी यहाँ पर न्यूज़ में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन हम लोग कर देते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहले हेडिंग देखेंगे। सबसे पहले तो बता रहा है कि एक सेकेंड, दसवीं और बारहवीं की तैयार किए जा रहे हैं विस्तृत प्रश्न उत्तर बैंक। देखिए, प्रश्न उत्तर बैंक तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि पिछले वर्ष भी तैयार किया जा रहा था और पिछला वर्ष आपको दिया नहीं गया था, तो इस बार दिया जाएगा। आई थिंक मेरे अनुसार वही जो क्वेश्चन बैंक उसका उत्तर जो तैयार किया था पिछले वर्ष, वो आप लोग के लिए रेडी हो गया है, आप लोग को देगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के छात्र छात्राओं को तैयारी में होगी सहूलियत। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन बैंक आई थिंक देगा, पिछला बार भी दिया था। देखिए क्या क्या बोल रहा है, देख लेते थोड़ा सा। झारखंड रांची से प्रभात, सॉरी हिंदुस्तान में छपा हुआ न्यूज़ है, प्रकाशित हुआ हो जो भी समझिए। झारखंड सरकार मैट्रिक व इंटरमीडिएट की क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार कर रही है। ठीक, दोनों 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को इसमें सहूलियत होगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और उसका आंसर दोनों तैयार किया जा रहा है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी JCERT ने क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार किया है। मेरे अनुसार वही पिछला बार जो किया था वही है, आप लोग को देगा, पिछले बार लोगों वाले को नहीं दिया था। JCERT में प्रश्न पत्र और उसके उत्तर को भी रीचेक किया जा रहा है, जो तैयार किया है तो वो भी उसको दोबारा से चेक कर रहा है कि सही है कि गलत है। यह क्वेश्चन बैंक सभी विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों के चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के तैयार किए गए हैं। ठीक है, वही सब प्रश्न है जो आप लोग का एग्जाम चैप्टर में जो रहता है। ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें रखे गए हैं, सब कुछ है। प्रश्न के आधार प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तीनों संकायों के छात्र छात्राएं इसमें अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें 2024 में होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं में लाभ मिलेगा। प्रश्न पत्र वर्तमान परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका दोनों होने जा रहा है। ठीक है ना, जैसे कि हुआ था, और सारा का प्रिपरेशन इस चैनल पर कराया जा रहा है, तो चैनल से आप ज्वाइन होकर सबका प्रिपरेशन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं और पिछला बार केवल इंग्लिश इकोनॉमिक्स कराया था, इस बार सारा सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, साइंस के लिए। ठीक है, चलिए, छात्र छात्राओं को कराए जाएंगे उपलब्ध, आप लोगों को ही मिलेगा। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न और उत्तर के बुक भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि इसे छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा सके। JCERT से ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन बैंक JCERT की वेबसाइट के साथ साथ JEPC और जिला शिक्षा वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, इन विषयों में तैयार हो रहे हैं प्रश्न और उत्तर। कौन कौन विषय है, JCERT 10वीं के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी विषय के प्रश्न और उत्तर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं 12वीं में भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीवन विज्ञान, जो भी बायोलॉजी, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेन्योरशिप होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश इलेक्टिव है, हिंदी कोर, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव, अच्छा इंग्लिश कोर नहीं दिया है, तो इतना सब्जेक्ट का आपका तैयार करेगा। ठीक है ना, इंग्लिश कोर का आई थिंक नहीं दिया, इंग्लिश इलेक्टिव दिया, इंग्लिश कोर नहीं दिया, कोई दिक्कत, इंग्लिश कोर का तो मैं इतना क्वेश्चन कराता हूँ कि इसे रिजल्ट बेस्ट आता है, पिछला बार 95 गया था मेरा हाईएस्ट। चलिए, मतलब इस चैनल का परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न और उनके उत्तर। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने तैयार किया है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चलिए, तो यही आज का अपडेट था। एक और बात यहाँ पर देख रहे थे, क्या बोल रहा है, बता रहा है कि परीक्षा से पहले जैक निकालेगा मॉडल प्रश्न। आप लोग के लिए मॉडल निकलेगा, हर साल के लिए मॉडल प्रश्न निकलता है, तो इस बार ही मॉडल प्रश्न पत्र निकले। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी मार्च, ये भी डेट यहाँ पे आया है कि फरवरी से मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी में लग जाए, सारा सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 2024 से शुरू होगी। ठीक है, और एक सेकेंड, इससे पहले जैक मॉडल प्रश्न पत्र उनके उत्तर भी निकालेगा। ठीक है, ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बैंक से पूछे जा सकेंगे, जो मॉडल प्रश्न रहेगा तो क्वेश्चन बैंक वहीं से दिया रहेगा, एग्जाम में भी आपका रहेगा। ठीक है, जैक मॉडल प्रश्न पत्र उसका उत्तर भी निकालेगा। ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं
क्वेश्चन बैंक से पूछे जा सकेंगे। 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं स्कूल में जिस तरह से चैप्टर की पढ़ाई करेंगे उसी तरह प्रश्नों उत्तर से अभ्यास कर सकेंगे। इससे सिलेबस पूरा होने के बाद उनकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अंतिम 2 महीने में इसका रिविजन करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक बनेगा तो उसका लास्ट 2 महीने में रिविजन करेगा। और बोल रहा है कि जैक मॉडल प्रश्न पत्र उनको उत्तर भी निकालेगा। ये प्रश्न और ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक से पूछे जा सकेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र भी, अब मॉडल प्रश्न पत्र से एग्जाम तो रहता ही रहता है। तो ये डिटेल था आपको, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है कारण अच्छे से रीड नहीं कर पाए, तो इसको आप क्या करिएगा, आप ढंग से करना चाहते हैं दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करें, हिचकी आ रहा है तो कैसे हिचकी आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा, फरवरी मार्च में होगा, कैसे पैटर्न रहेगा, क्या क्या सब कुछ आ रहा है तो आपको बता दिए, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।